इंडिया का चुनावी चैप्टर, गेम बदलेगा डब्ल्यू फैक्टर। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी ताना ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। रामलीला का मैदान, विपक्ष का महाजुटान। सदैव नहीं रहती सत्ता, सत्ता आती है जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। ये पूरे देश की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। मोदी जी की झूठे गारंटी, मोदी जी की गारंटी जीरो वारंटी, इसके खिलाफ लड़ाई है। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन का साक्षी रहा है और वक्त वक्त पर देश को नई दिशा देता रहा है। अब इसी रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन ने 24 का बिगुल बजाया है, जिसका मकसद हर हाल में बीजेपी का रथ रोकना है। लेकिन इस बार विपक्ष का ध्वजवाहक डब्ल्यू फैक्टर बना है, जिसमें एक बड़ा चेहरा केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का था, क्योंकि जब से ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, तब से सुनीता केजरीवाल ही उनकी आवाज बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? विपक्ष की महारैली में सुनीता केजरीवाल न सिर्फ केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी, बल्कि वो 6 गारंटी भी लेकर आई थी जो केजरीवाल ने जनता को दी हैं। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है, देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है, क्या उस पर इंडिया गठबंधन के बाकी साथी राजी होंगे? क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ गारंटी नहीं दी है, इन गारंटीज को 5 साल में पूरा करने की भी बात कही है। मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूँ इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। उधर जानकार इन गारंटीज को मोदी बनाम केजरीवाल की गारंटी देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे चुनाव में बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। भाइयों और बहनों,
मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल ने इन गारंटीज से विपक्ष को एक नया सूत्र दे दिया है, क्योंकि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है इंडिया गठबंधन पहले से और ज्यादा एकजुट हुआ है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाव से कुछ ही महीने पहले। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। आज हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ है। उधर बीजेपी विपक्ष के इस महाजुटान पर हमलावर है, जो इंडिया गठबंधन की महारैली को परिवार बचाओ रैली बता रही है, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को वॉशिंग मशीन बता रही है। ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। एक के बाद एक सीबीआई और ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं पर होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे अभी दो दिन पहले हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा वो सीधा तिहाड़ जेल में जाएगा। अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन के डब्ल्यू फैक्टर पर है, क्योंकि 24 में गेम बदलेगा या नहीं, इसका बहुत कुछ इसी ब्रिगेड पर टिका हुआ है।